शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। हम देख रहे हैं कि धनिया का प्रल वायदा 11,000 के ऊपर है, 11,042 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 11,140 का हाई लगा चुका है, 0.1% की तेजी है। वहीं पर बात करें जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 21,460 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 21,540 का हाई भी लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी आज जीरे में देखने को मिली है। इसी तरह से बात करें हल्दी की, तो हल्दी 9,800 के ऊपर कारोबार कर रही है। देख रहे हैं कि हल्दी के मुकाबले धनिया और जीरा काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या यहां से अब धनिया और जीरे में आगे तेजी ही बनी रहेगी या फिर यहां से गिरावट का दौर भी देखने को मिलेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपसे मसालों के ऊपर बात करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया था कि जीरा और धनिया में हल्दी के मुकाबले ज्यादा तेजी रहेगी, बिल्कुल वैसा होते हुए देख रहे हैं, आपके लेवल्स भी अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या यहां से एक तरफा तेजी बनी रहेगी या फिर यहां से मसालों में गिरावट की भी संभावना है? देखिए, गिरावट का रूप नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा करेक्शन थोड़ा सा दिखा सकते हैं, बिकॉज जनवरी से अभी तक अगर हम देखें तो करीबन 30% की तेजी हमने जीरे में देखी, मोटा मोटी धनिया में भी उतनी तेजी आई है। अब जो कंसर्न है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गल्फ फूड का आगमन रहेगा, वो हमने देखा काफी अच्छा हुआ, इंक्वायरीज तो काफी थी, बट जो क्वांटिटी ऑर्डर के थे वो वहां पे सुनने में आया कि ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस है वो इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा कंसर्निंग है। मतलब जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,000 मैट्रिक टन का, उसी जगह पे 200-250 मैट्रिक टन पे ही काम चलाना पड़ रहा है। साथ में अगले महीने से हम नई क्रॉप भी आते हुए देखेंगे। लोगों का कहना है सर इतनी बड़े फंडामेंटल न्यूज है कि सोइंग खराब है, सोइंग कम हुई है, वेदर कंडीशन खराब हो गया, उसके डैमेजेस है, तो ये सब चीज पहले से ही मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। हमने ये चीज आपके चैनल पे नवंबर दिसंबर में पहले ही कहा था कि मौसम भी खराब होगा, सोइंग भी कम होगी और भाव में जबरदस्त तेजी आएगी जो 15 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में मिलेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अब मुझे लगता है दिस इज द टाइम कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हाथ में रखना चाहिए माल, क्योंकि आगे भी आउटलुक पॉजिटिव है, जहाँ पे जीरे में 25,000 तक का लेवल या उसके बियॉन्ड भी देख रहे हैं, बट अभी सलाह रहेगी 21,500 के भाव में एक बार प्रॉफिट बुक करके कम कर लीजिए पोजीशन, 20-30% ही रखिए। जो नीचे में मुझे लगता है 19,500 तक का लेवल एक बार मिलना चाहिए, वहां पे आपकी फ्रेश बाइंग बनेगी वापस, जो जून एंड तक हम 25,000 देखेंगे, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।